हरे कृष्णा। तो भाई लास्ट वीडियो में जो हमने कुछ स्टॉक्स बताया था उसमें परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो, मतलब 4 तारीख का एक गिरावट के बाद भी जबरदस्त वापस से रिकवरी सब में दिख गया। तो मैं बस एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि भाई स्विंग ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड में लोग प्रॉफिटेबल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आज से एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले बात होती थी तो वो बहुत ज़बरदस्त लॉस में थे, लेकिन अब उनका सेटिस्फैक्शन लेवल मतलब बहुत हाई हो गया है और बहुत काफ़ी खुश और मज़ा से भी, मतलब वो लिटरली बोलते हैं कि भाई ज़िंदगी बदल गया इस तरह का ट्रेडिंग से। मतलब लगता था पहले कि बस ऑप्शन ही है, लेकिन नहीं, पैसा यहाँ पे बनता है और आज खुद उनका खुद अपना एनालिसिस करते हैं, खुद से ट्रेड करते हैं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज़ को सीखिए। टेक्निकल जो मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा कि किसी भी तरह से टेक्निकल्स को अपना मजबूत कीजिए, किसी भी तरह से आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा, या तो डेली वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए और जहाँ से भी संभव हो जितना भी पैटर्न है प्राइस एक्शन का उसको हमेशा याद करने का कोशिश कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस। और ये आएगा कैसे, आपको बार बार चार्ट देखना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम जब ये लास्ट वीडियो बनाया था, और देखो स्विंग ट्रेडिंग है तो भाई इसमें आपको 5 दिन 10 दिन समय देना पड़ेगा, 15 दिन भी देना पड़ेगा, 1 महीना भी देना पड़ेगा, तो समय दीजिएगा तभी यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। अब रहा बात इस दिन को छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शन था, इस दिन कोई बेच भी नहीं पाया होगा। देखिए ये वाला स्टॉक में साफ आपसे लेवल बताया हुआ था कि एक लेवल ये है, एक हर्डल यहाँ पे है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे दिया हुआ था, और ये एक अगला जो बायोकॉन का टारगेट था ये था, और इवन सारा स्टॉक जो जो दिया हुआ था सब ठीक ठाक परफॉर्म किया है, 1-2 को छोड़ के। तो भाई ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग तो है नहीं कि मतलब कह दिया या भगवान तो कोई है नहीं, बस टेक्निकल और फंडामेंटल को देख करके मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो भी स्टॉक है। आज भी मैं उसी तरह का कुछ स्टॉक आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा समझिएगा। ये भी स्टॉक आइसर मोटर्स भी डिस्कस किया हुआ था, ये भी देखिए इसमें भी अच्छा खासा वापस से फिर डाउन जाने के बाद भी ऊपर का रिकवरी। उसके बाद स्ट्राइड्स फार्मा करके था, ये देखिए ज़बरदस्त उस दिन इस तरह का स्पाइक लगा था और फिर वापस से टारगेट हिट और आगे भी निकल गया। इसमें भी आपको लेवल दिया हुआ था यहाँ पे कि देखो भाई एक लेवल और है ऊपर में, अगर जिनके पास अभी होगा 997 का एक लेवल और ऊपर में दिख रहा है इसमें। तो ये कैसे संभव हो पाता है, संभव हो पाता है बस आपका टेक्निकल कितना सही है और फंडामेंटल बिजनेस समझने का आपको कितना आइडिया, क्या क्या समझना चाहिए, वो सब चीज़ थोड़ा सा बस देख लेना है आपको। अच्छी अच्छी कंपनी का मतलब मूव पता चल जाएगा, मतलब एक अनुमान आप लगा सकते हो कि हाँ ये हो सकता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जा करके पिछला वीडियो देख लो, समझ जाओगे इस चीज़ को। हाँ एक चीज़ है मेरे साथ डिमेरिट कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि भाई और भी काम है, तो उस वजह से इधर उतना ध्यान नहीं जा पाता है। लेकिन अब आपको एक मेहनत करना है, अगर खुद को सुधारना है किसी का वीडियो से, किसी का कुछ से आप सीखेंगे नहीं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। डेली 10 चार्ट 20 चार्ट 50 चार्ट डेली आदत बनाइए और डेली अच्छा खासा चार्ट देखिए, समझिए, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने लगेगा। जो पैसा अभी तक नहीं कमा रहे हो वो आप कमाना शुरू कर दोगे। देखो एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में ही एक थोड़ा सा डाउन में जो गया उसके बाद डाउन में ही है, बाकी सब जो भी आपके साथ डिस्कस किया गया था भाई सब अपना अच्छा खासा लेवल से निकाल करके रखा है। सेल तो ये तो भाई नवरत्न कंपनी है तो इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इस वजह से थोड़ा सा भी, लेकिन हाँ इस लेवल पे जो आपसे शेयर किया हुआ था वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला जैसे ही गवर्नमेंट बनी। तो इसमें क्रेडिट लेने का कोई चीज़ है नहीं, ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट चलेगी स्थायी गवर्नमेंट। अगर आज भी कोई न्यूज़ आता है कि भाई किसी तरह से मंत्रिमंडल में दिक्कत हो रहा है, कुछ विधायक लोग सांसद लोग अपना सपोर्ट खींच रहे हैं, वापस से ये सब स्टॉक आ जाएगा। तो ये सब गवर्नमेंट रिलेटेड है, इस पर जब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये सब जब मार्केट सही चले, पॉलिटिकल कंडीशन सही चले, एक्सटर्नल सब कुछ सही रहे, तब ये सब में दाव खेलने का है। बाकी आपका ये सब स्टॉक था और आपको मैंने दिखा दिया। अब नया जो स्टॉक है इस वीक के लिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो पहला स्टॉक है भाई वो है PVR आईनोक्स, ठीक है, PVR मल्टीप्लेक्स आप सबको पता है। अब इसमें देखिए क्या कुछ नहीं देखना होता है भाई, वन डे टाइम फ्रेम पे जाओ, वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, देखिए इसमें आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ये वाला दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए ये जो लेवल अगर ब्रेकआउट करता है, देखो एकदम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है अपना, कोई बाइंग सेलिंग का कुछ उस तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप एजुकेशनल पर्पज़ प्राइस एक्शन को समझने के लिए इसको बस देखिए।
ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये ब्रेकआउट लेवल अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आपको एकदम आराम से 1427 के आसपास ये चीज़ ऊपर ट्रैवल करता हुआ दिख जाएगा। स्टॉप लॉस का बात करें तो ये जो कैंडल आज का बना है वही खुद इसका जो लो है ना वो स्टॉप लॉस के लिए समझा जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ठीक। अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो थोड़ा सा इसको और हम नीचे लेवल पे भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपका इसका 1275 के आसपास बन रहा है, लेकिन इसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, लेंगे कम जब इसको और आप बड़ा लेवल के लिए देखेंगे कि और लंबा टारगेट के लिए अगर आप देखेंगे मतलब 1480 1495 1500 के आसपास के लिए देखेंगे तो थोड़ा सा फोल्ड भी आदमी कर सकता है इसमें, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आपको आराम से ये स्टॉप लॉस 1350-1348 के आसपास और ये जो टारगेट होगा इसका 1427-1430 के आसपास आराम से इसको बुक कर सकते हैं। देखो अगला जो स्टॉक है भाई वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। देखो इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, देखो आप इस जगह पे ध्यान से अगर इसको लंबा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आराम से अभी निकलने का मूड बनाया है। यहाँ से आपको 500 जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उस जगह पे जा करके एक रेजिस्टेंस इसका क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, तो उससे पहले 498-497 के आसपास इसको आराम से आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस का बात अगर किया जाए तो इसमें ये जो लेवल है इसका 457 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर इसको आप देखेंगे इस तरह से तो आप देखिए, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो है कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आएगा, लोग बना रहे हैं पैसा भाई, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे, इस जगह को समझिए, यहाँ पे बस यही है प्राइस एक्शन और कुछ नहीं है। एक बार सीख जाओगे यहाँ पे बस कहानी ख़त्म, खुद से पैसा बनाने लगोगे। देखो इस जगह पे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्यों टारगेट आपको दिया गया है ये वाला, और आपको थोड़ा सा पहले ही निकल जाना है कि क्यों, क्योंकि तब तक अच्छा खासा आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। स्टॉप लॉस एकदम सेफ है इस जगह पे, अगर आता है कट के निकल जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो इस स्टॉक में नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए और भी स्टॉक है जहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, इसमें बस शॉर्ट टर्म के लिए सोचना है, मिल गया ठीक है नहीं तो निकल जाइए, जो मिले उसमें बहुत बढ़िया है। अगला जो स्टॉक है भाई CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड। इसमें भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इसमें जो मोमेंटम है भाई, ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, जो मोमेंटम है वो आपको 500 तक आराम से ले जा करके दिखाएगा, 500 तक के आराम से जाएगा ये वाला स्टॉक, मतलब जो प्राइस एक्शन कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करे ना अगर हल्का सा तो और मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करे वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ने लगे इस स्टॉक में, आप देखिएगा एक बार ऊपर साइड के लिए अच्छा खासा मूव आएगा। अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे, अगर अभी इधर बाइंग आता है तो इधर किधर स्टॉप लॉस लिया जाए, तो ये जो लेवल है यहाँ पे आ करके 453 के आसपास ये एक बार सपोर्ट लेने के लिए वापस से आएगा। अगर यहाँ ऊपर नहीं जाता है तो इस लेवल पे अगर आए तो और मज़ा आए, नहीं तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो, जिस लेवल पे अभी चल रहा है थोड़ा सा रिट्रेस कर दे भाई अगर, तो आपको 500 तक का आराम से इसमें दिखेगा। इसमें बहुत लंबा होल्ड नहीं करना है, रीज़न क्या है कि ये होल्ड किसको किया जाता है, होल्ड उसको किया जाता है कि जो जिसके बारे में आपको पता है कि वो गिरेगा भी तो वापस से बाउंस बैक कर जाएगा, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये चीज़ करता है जिसका फंडामेंटल सही होता है। लेकिन जैसे ट्रस्टेड कौन सा है, तो ट्रस्टेड जो भी निफ्टी 50 का कंपनी है जिसमें भी जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है उस कंपनी को पकड़िए, प्लस उसका बिजनेस सही हो, सेक्टर सही हो, तो इतना चीज़ आपको देखना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है भाई, एक दिन के लिए नहीं ले रहे हो आप, 5 दिन 10 दिन 1 महीना हो सकता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी होल्ड करना पड़े तो प्रॉफिट यहाँ से बनेगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग हमेशा निफ्टी 50 का स्टॉक या फिर जो फंडामेंटल बहुत सही कंपनी है, भले वो स्मॉल कैप है तो उसमें, या उसका बिजनेस में मोनोपोली हो उसमें, तो उस तरह का स्टॉक में रुकिएगा, मज़ा आएगा, प्रॉफिट बनेगा, लोग कमा रहे हैं और इसी से कमा रहे हैं, जो 90% में कुछ लोग लॉस कर रहे हैं बाकी जो कमा रहे हैं तो वो वही लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शन से मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कमा रहे, लेकिन ऑप्शन को बैकअप देने के लिए आपको स्विंग चाहिए ही चाहिए। कोई भी बड़ा ट्रेडर, कोई भी किसी से भी पूछ लो, सब स्विंग करता है, और हकीकत जो रियलिटी है वो यहीं से आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में क्या पैसा बनता है। एक दिन में 20% 50% बनाना है, बनता है, लॉस भी उसी तरह से होता है।
और जब लॉस और प्रॉफिट होगा तो मेंटल साइकोलॉजिकल सारा लेवल आपका बिगाड़ करके मतलब बर्बाद कर दिया जाएगा आपको। तो चीज़ों को समझिए, जो फैक्ट है उसी पे काम कीजिए और स्विंग ट्रेड पे काम कीजिए, सीखिए। प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, एक डिस्कशन ग्रुप है हम लोग का टेलीग्राम पे, वहाँ पे जुड़िए, फ्री है, कोई पैसा नहीं है और आपस में लोग डिस्कस करते हैं तो उसको डिस्कस कीजिए, कोई भी माहौल अच्छा बना करके आइए, सही रहेगा, सबके लिए सही है, सब एक दूसरा को हेल्प कीजिए, ईच वन टीच वन। बाकी सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हरे कृष्णा।